निकट अतीतरे बात्या भली पाणिपाग जनित विपर्यय जोगु प्रभुत धनजीवन नष्ट होइछि। तेणु एही अंचलर अधिवासीमानंक जीवन रक्षा पाई अतीतर अनुभूति ओ अत्याधुनिक वैषयिक ज्ञानर व्यवहार करि विपर्यय पूर्वानुमान करिबा अत्यावश्यक होइपड़िछि। भारत भली देश पाई एसबु बात्या को बुझी सेगुड़िकर पूर्वानुमान करिबा बेसी जरूरी, कारण एहार उपकूलवर्ती जिलागुड़िक ए पाणिपाग जनित विपर्यय को बेसी सामना करिथांती। विगत 300 वर्ष भितरे सारा पृथ्वी रे संगठित होइतिबा समस्त बात्यार प्राय 75% ओ जहाद्वारा 5000 रु बेसी लोकंकर प्राणहानि घटिथिला सेगुड़िक भारत रे खास करी बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिला। अक्टोबर 29 तारीख 1999 मसीहा 260 किलोमीटर बेगरे बहुतबा पवन सह एक महाबात्या ओडिशा उपकूल रे माड़ हेला, फळरे राज्य रे अभूतपूर्व ध्वंस लीला देखिबा को मिलिला। प्राय 10,000 लोक मृत्युवरण कले, 1,000 कोटी रु ऊर्ध्व टंकार धन संपत्ति नष्ट हेला। पर्यवेक्षण पई आम पाखरे उपग्रह थिला जहाँ आमको बात्यार विभिन्न चित्र पठाउथिला, किंतु सामुद्रिक स्थिति ओ बात्या को पर्यायभुक्त करिबा पई आम पाखरे अन्यान्य परिमाप नथिला, उभय भौतिक ओ गति संक्रांतीय परिमाप। परिसंख्यन पद्धति सीमित थिला ओ पूर्वानुमान पई सांख्यिक उपदेशर संख्या मध्य सीमित थिला, फळरे ना केवल पूर्वानुमानर समय सीमा 24 घंटार सीमित थिला, ता सहित पूर्वानुमानर सठिकता ओ दृढ़ता से समय रे बेसी भल नथिला। विपर्यय सारा देश को थरै देला ओ समस्त दृष्टि भारतीय पाणिपाग विभाग उपरे केन्द्रीभूत हेला। एथिरे कौनसी संदेह नथिला जे बात्या पूर्वानुमान पई व्यवहार करा जाउतबा पुरुणाकालिया ज्ञानकौशल ही भारतर पूर्वानुमान क्षमता दिगरे सबुटु बड़ प्रतिबंधक थिला। 14 वर्ष परे 12 अक्टोबर 2013 रे सेई भली एक तीव्र बात्या फाइलिन ओडिशा उपकूल रे माड़ हेला, एथर गोपालपुर पाखरे, किंतु एथर रूपरेख संपूर्ण बदली जाइथिला। राज्य प्रशासन 5 दिन पूर्वरु सठिक सतर्क सूचना पाई जाइथिले एवं सेमाने ठिक समय रे आवश्यकीय पदक्षेप नेइथिले, फळरे एथर मृत्यु संख्या मात्र 21 रे सीमित रहिला। आपण जदि एक प्रभावशाली मानविक सहायता पद्धति रखिबाकु चाहूचंति ताहले आपण केवल प्रस्तुत रहिले हेबोनि, आपणकु साहाज्य करिबा पई प्राक सतर्क सूचना पद्धति मध्य रहिबा दरकार। एबे आम अनुष्ठान गुडिक अत्याधुनिक विज्ञान सम्मत होइ जाइछि जहार पूर्वानुमान पूरापूरी निर्भुल रहुछि। एही कारणरु आमे फाइलिन बात्या समय रे सफलतार सह कार्यक्रम कलु, लोकमानंकु सतर्क करै स्थानांतरित करा जाइछि, सेमाने एबे सतर्क सूचना को बुझुचंती ओ विश्वास मध्य करुचंती। केतेक संस्था पूर्वानुमान करुथिले जे बात्या स्थलभाग छुईले आहुरी घनीभूत होई वायुर बेग घंटा प्रति प्राय 300 किलोमीटर हेबो, एहा लोकमानक सहित विपर्यय प्रशमनकारी मानक मनरे भीति संचार करुथिला, तेणु पूर्वानुमानकारीक उपरे प्रबल चाप थिला जे सेमाने तांको पूर्वानुमान को परिवर्तन करिबे किंबा तांको पूर्वानुमान को अपरिवर्तित रखिबे। सेई समय रे अन्यान्य संस्था भिन्न भिन्न पूर्वानुमान करथुबा समय रे भारतीय पाणिपाग विभाग निजस्व पूर्वानुमान रे दृढ़ रही निजर विश्वास ओ स्थिरता प्रमाणित कला। दीटा मॉनिटर मझेरे मझेरे मु भारतीय पाणिपाग विभाग रो पूर्वानुमान को पर्यवेक्षण करथाए, तापरे अमेरिकन नेवी रो फोरकास्ट को भी पर्यवेक्षण करथाए। मो मनरे तथापि सन्देह थिला कारण मु सेठिकार जिल्लापाल थिले, 1999 महाबात्या रे आमे केते कण भोगीथिलु मु जानिथिलि, किंतु शेषरे देखागला आमर पूर्वानुमान ही बेसी निर्भुल थिला। यूएस मिलिटारी किंबा यूएस नेवी साइट कथा मोर मन पड़ुछे, वायुर बेग 280 किलोमीटर रु बेसी हेबो बोली सेमाने पूर्वानुमान करिथिले, किंतु भारतीय पाणिपाग विभाग 220 रु 230 किलोमीटर हेबो बोली कहिला एवं सेया ही हेला,
ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସାଇଟକୁ ଭରସା କଲୁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେବଳ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲାନି, ତାର ପ୍ରାକ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରାୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଖୁଥିଲି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେୟା କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବେଶୀ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେତେଟା ସଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ କାମ କଲା। 1969 ମହାବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବିପଦ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ମରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ ବୋଲି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଆଉ। ହଁ, ସବୁ ଭଲ, ଏବେ ସବୁ ଭଲ। ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଗଲି, ମୋତେ ସେଠି ସବୁ ମିଳିଲା। ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। This is very significant given the ferocity of the cyclone and the fear it had generated, especially among foreign meteorologists who were predicting absolutely the worst. The Indian Met Department's predictions for once were spot on. The Met Department was spot on in its predictions, far more accurate than Western observers who felt that India was downplaying the potential danger of the cyclone. Raat aaye tufaan ko Hindustan ne waqai hara diya, aur wo isliye kyunki Hindustan taiyari karke baitha tha. Meteorological Department ne bahut accurate information diya hai, aur aap to jante hain 9 lakh log evacuated the 36 hours mein। ये बहुत भारी काम है। इस साइक्लोन में मौसम विभाग ने टेक्नोलॉजी का बखूबी उपयोग किया और 6 तारीख से ही ये संकेत दे दिए गए थे। जो अनुमान थे उतनी वेलोसिटी रही, जो दिशा थी अनुमानित वही दिशा रही, जो अनुमानित टाइम था वही टाइम रहा। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଥିବା ବେଳେ WMO ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଭାଗର ଭୂମିକାକୁ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ IMD ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଏଡ଼ାଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଏକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ IMD ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏଭଳି ସମାନ ନିର୍ଭୁଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା, ଯେମିତିକି 2014 ବିଶାଖପାଟନାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ହୁଦ୍ହୁଦ୍, ଫଳରେ ସେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କଲା। ଫାଇଲିନ୍ ଏବଂ ହୁଦ୍ହୁଦ୍ ଏକମାତ୍ର ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ ନିୟମିତ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। IMD ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରାକ୍ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନିରୀକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନ୍ୟୁମରିକାଲ ମଡେଲିଂ, ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନାର ବିକ୍ଷେପଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ, ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ସମୀକରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଉ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କୌଶଳ ଏବେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିଗଟି ହେଲା ମଡେଲ, ଆମେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ମଡେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ, ଏବଂ ସେହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଫାଇଲିନ୍ର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ IMD ପ୍ରାକ୍ ସତର୍କ ସୂଚନାର ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବିଶାଳ ଗରମ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳରାଶି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର ଭୌଗୋଳିକ ଉତ୍ସକୁ ସୂଚାଏ, ଖାସ୍ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ସାଗର ଉପରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଉତ୍ତର ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ରେ ହରିକେନ୍, ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଟାଇଫୁନ୍ ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ବାତ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଲଘୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଚାରିପଟେ
दक्षिण गोलार्धरे घंटा दिगरे तो उत्तर गोलार्धरे घंटार विपरीत दिगरे घंटा को अति कम्रे 62 किलोमीटर बेगरे घुरुथिबा एकीभूत संलग्न वायु हिसाबरे वर्णना करा जाई पारिबो। भारतरे मुख्यतः दुईटी बात्या ऋतु रहिछि। प्रथमटी प्राक मौसुमी ऋतु अर्थात एप्रिल रु जून मास पर्यंत एवं द्वितीयटी मौसुमी परवर्ती ऋतु अर्थात अक्टोबर रु डिसेंबर मास पर्यंत। पांचटी बात्या मध्यरु चारोटीर सृष्टि बंगोपसागर रे ओ अन्यटी सृष्टि हुए आरब सागर रे। प्रति पांचटी बात्या भितरु दुई तीनोटी प्रबल हुए एवं गोटिए दुईटी अति प्रबल बात्या हुए। चापरे ह्रास ओ सर्वाधिक निरंतर भूपृष्ठ वायु उपरे आधार करी उत्तर भारत महासागर अंचल रे सृष्टि हेउतबा बात्यागुडी को साधारणत पांचटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि, जथा साइक्लोनिक स्टर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म ओ शेषरे सुपर साइक्लोन। सबुठ गुरुत्वपूर्ण दिगटी हला बात्यार केन्द्रस्थल निरूपण करिबा, जहाँ सर्वनिम्न चापर केन्द्रस्थल अटे किंवा भूपृष्ठ स्तर रे घंटार विपरीत दिगरे घुरुथिबा वायुर केन्द्रस्थल अटे। कारण केन्द्रस्थल रे चापर ह्रास किंवा बात्या जोगु सर्वाधिक निरंतर वायुर गति आधार रे बात्यार तीव्रता आकलन करा जाई पारिबो। गोटिए पूर्ण विकसित ग्रीष्ममंडलीय बात्यार गोटिए आखि थाए जहाँ बात्यार केन्द्रस्थल अटे। एहार व्यास 10-50 किलोमीटर हेई पारे। आखि चारिपटे 10-100 किलोमीटर व्यापी बादलर एक घन आस्तरण थाए जहाँकु आई वॉल बा वॉल क्लाउड भिजन कहुए। बात्यागुड़िक बहुविध विपर्ययर घटना अटंती, जहाँ बात्या पूर्वरु वर्षा हवा जोगु भूस्खलन कराए, तापरे प्रबल पवन क्षय क्षति करे एवं शेषरे स्टर्म सर्ज कहुवा समुद्र पतनरे अस्वाभाविक वृद्धि जोगु सृष्टि हेउतबा विराट सामुद्रिक ढेउ जोगु क्षति होइथाए। घरद्वार भांगिजिबा, गछ उपुड़ीबा, ध्वंसावशेष पवनरे उड़ीबा, विद्युत आघात द्वारा मृत्यु, बन्या, उड़ाजहाज दुर्घटना एवं बात्या परवर्ती समय दूषित खाद्य और जल द्वारा व्यापुवा रोगगुड़िक बात्या द्वारा संगठित हुए। यहाद्वारा समुद्र तटवर्ती अंचल प्रबल जनजीवन नष्ट लोकंर जीवन जीविका चालीचलन प्रभाव पड़े। यह भित्तिभूमि को दोहल दिए एवं गोटे राज्यर अर्थनीति को मध्य किछि वर्ष पछुआ करदिए। आम देश में 96 बात्या प्रवण जिला अच्छी। सबू बात्यार पूर्वानुमान प्रणाली पर्यवेक्षण तथ्य सहित आरंभ होता है, जहाँ यार सांप्रतिक अवस्थिति और तीव्रता स्थिर करुवा विभिन्न उत्सर संग्रह कराए। बात्यार केन्द्रस्थल सर्वनिम्न चापर केन्द्रस्थल किंवा भूपृष्ठ स्तर घंटार विपरीत दिगरे घुरुवा वायुर केन्द्रस्थल अटे। कारण केन्द्रस्थल चापर ह्रास किंवा बात्या जोगु सर्वाधिक निरंतर वायुर गति आधार में बात्यार तीव्रता आकलन कर। बात्यार केन्द्रांचल चापर हठात ह्रास लक्ष्य कराए। बात्यार कौनसी प्राक सूचना महाकाश आधारित पर्यवेक्षण सबुठ गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण बात्या समुद्र उपरे सृष्टि हुए एवं ताकु निर्णय करने उपग्रह सबुठ भल माध्यम अटे। एही उद्देश्य रे भारतीय पाणीपाग विभाग दुई प्रकार उपग्रह व्यवहार करे, जिओ स्टेशनरी और पोलार ऑर्बिटिंग उपग्रह। जिओ स्टेशनरी उपग्रह प्रति 30 मिनिट अंतर रे छवि पठाए, जहाँफल वैज्ञानिक माने बात्यार अवस्थिति तीव्रता और आकार रे प्रति 30 मिनिट रे हेउथबा परिवर्तन विषय रे जानि पारंती। वर्तमान भारतीय महाकाश गवेषणा प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत ओ उत्क्षेपण करा जायतिबा एभले तीनोटी उपग्रह छि कल्पना 1, इनसेट 3 क ओ इनसेट 3 घ। ग्रीष्ममंडलीय बात्यार तीव्रता बात्या गभीर समुद्र रे थिबा समय रे उपग्रह चित्रगुडिकर विजुअल पैटर्न रा सहाय्य नै हिसाब करा जाय। एही पद्धति को डोभार टेक्निक कहा जाए, जेउठी ग्रीष्ममंडलीय बात्यार आकलित तीव्रता को 1-8 स्केल रे रखा जाए। तेणु टी 1.0 गोटे लघुचाप अंचल, 1.5 हेउची डिप्रेशन, 2.0 हेउची डीप डिप्रेशन, 2.5 हेउची साइक्लोनिक स्टर्म, 3.5 हेउची सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म,
4.0 वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म, 5.0 हेउची एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म एवं 6.5 सुपर साइक्लोनिक स्टर्म। भारतीय पाणीपाग विभाग आमेरिकार नोआ एवं यूरोपीय पोलर अर्बिटिंग उपग्रहगुड़िकरु तथ्य आहरण करे। एही सबु तथ्य बात्यागुड़िकु बुझिबारे एवं समुद्र तटवर्ती अंचलरे भूपुष्ठरे वायुर गति विषय जानिबा पई सहाय्य करे। एहा विभिन्न अंचलकु देखे, तेणु आपण गोटे पोलार अर्बिटिंग साटेलाइट्रु सबुबेले समान चित्र पाइपरिबेनि, किंतु जिओ स्टेशनरी उपग्रह सबुबेले समान चित्र देइथाय। तेणु पृथ्वी सारा दुईटी जाक उपग्रह ही व्यवहार करा जाए। बात्या जेतेबेले समुद्र तट निकटवर्ती होई राडार रेंज भितरकु आसे, सेतेबेले बात्यार उत्पत्ति अवस्थिति और तीव्रता आकलन करिबा पई राडार पर्यवेक्षण को अग्राधिकार दिया जाए। अनेक वर्ष धरी आईएमडी एनालॉग राडार टेक्नोलॉजी व्यवहार करियासुतला, किंतु 2002 मसीहारु एहा डॉपलर राडार मध्य हासिल करि सारिछि। वर्तमान 24 डॉपलर पाणीपाग राडार अछि, जहाँ प्रति 10 मिनिट्रे चित्र पठेबा द्वारा बात्यार आकार जानी हेउछि। तेणु यह बात्यार भूलम्ब आकार जोगाई दैछि। यह बात्यार तीव्रतार अन्य एक परिमाप, आउ मध्य आखिर व्यास गोटे गुरुत्वपूर्ण परिमाप, जहाँ डॉपलर राडार रे अति स्पष्ट भाव में देखि हुए। तेणु डॉपलर राडार जेतेबेले 200-300 किलोमीटर दूर देखुछि, यह बात्यार गति विषय पूर्वानुमान परतीव्रता स्टर्म सर्ज एवं केते ध्वंसलीला घटेबार क्षमता रखी से विषय सठिक सूचना दे पार। आगे केवल अधपातर सूचना और से संयुक्त बादल विषय सूचना उपलब्ध थिला। एबे केवल परिमाणगत अधपात नुहे जे एही परिमाणर वर्षा हेबार अनुमान करा जाइछे। उदाहरण स्वरूप फाइलिन भले निर्दिष्ट बात्यारे प्राय 200 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार सूचना मध्य मिली पारुछे। डॉपलर राडार एही सबु सूचना दे पारुछे जहाँ आगरु उपलब्ध नथिला। तेणु एही सबु सूचना फलरे आमे पूर्वरु सतर्क हे पारुछे। बात्या समुद्र तटर निकटवर्ती हेले ताकु तटवर्ती पर्यवेक्षण केन्द्र, स्वयंक्रिय पाणीपाग केन्द्र एवं समुद्र रे थिबा जहाज माध्यमरे पर्यवेक्षण करा जाई पारिबो। भारतरे मानव चालित पर्यवेक्षण केन्द्र और स्वयंक्रिय पाणीपाग केन्द्रगुडिकर विशाल नेटवर्क अछि। विभिन्न उत्सरु मिलुथिबा तथ्यगुडिकु प्रथमे नुआदिल्लीर जातीय पाणीपाग विभाग टेलीजोगाजोग केन्द्ररे ग्रहण करा जाए एवं तापरे विभिन्न व्यवहारकारी दल पाखकु पठे दिया जाए। एबे एही तथ्य पर्यवेक्षणर 10 मिनिट भितरे पूर्वानुमानकारीक पाखकु पठे दिया जायछि। 10 वर्ष आगरु जहाँ 3 घंटारु बेसी समय नेउथिला। जातीय स्तर रे आमर मोट 6 ऑटोमेटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टम अछि, जहाँ 6 एयरपोर्ट रे लगाय जायछि। एही सबु पाणीपाग सम्बन्धीय तथ्य विशाल और जटिल अटे, कारण एहा विश्वव्यापी क्षणकु क्षण संग्रह करा जाए। एही सबु तथ्यर प्रक्रियाकरण गोटे हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम साहाय्यरे करा जाए। प्रक्रियाकरण हेला परे एही पर्यवेक्षणगत तथ्यर पूर्वानुमान करिबा पई ताकु एक सांख्यिक पाणीपाग पूर्वानुमान मॉडल माध्यमरे रखा जाए। एही फलाफल बा पूर्वानुमान विभिन्न मॉडल पई भिन्न भिन्न होई पारे, कारण प्रत्येक व्यवहृत तथ्य तथ्य एकीकरण पद्धति, नमूना तैयारी करिबार अंचल, नमूनारे व्यवहृत भौतिक विज्ञान एवं पृथकीकरण भली विभिन्न चरित्र थाए। विभिन्न मॉडल द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमान गुड़िक बाइनरी फॉर्मेट रे उपलब्ध हुए, जहाँ सॉफ्टवेयर साहाज्य रे पिक्टोरियल बा ग्राफिक फॉर्मेट रे परिवर्तित करा जाए। फलरे पूर्वानुमानकारी भविष्यवाणी गुड़िक गोटे नजर रे देखिबा पई सहज हुए। एही पूर्वानुमान 5 दिन पर्यंत प्रति 6 घंटे उपलब्ध हुए। प्रारंभिक अवस्थिति और तीव्रता स्थिर करिसल्ला परे विभिन्न पूर्वानुमान मॉडल को तुलना करी गतिपथ और तीव्रता विषय पूर्वानुमान करबा को चेष्टा करा जाए। विभिन्न सांख्यिक मॉडल रो पूर्वानुमान परस्पर ठारु अलग हो पारे, तेणु पूर्वानुमानकारी चूड़ांत निष्पत्ति रे पहुंचबा पई अनुभूति, विशेष ज्ञान और निष्पत्ति सहायता प्रणाली को व्यवहार करती। भविष्यवाणी करिबार दक्षतार वर्तमान विकास को लक्ष्य कर आईएमडी 2009 72 घंटा पर्यंत और 2013 120 घंटा पर्यंत लागू होता ऑब्जेक्टिव साइक्लोन ट्रैक फोरकास्ट आरंभ कला। बात्या जनित प्रचुर वृष्टिपात को उपग्रह और राडार साहाय्य पर्यवेक्षण करा जाए।
AWS ओ ARG आधारित बृष्टिपात और उपग्रह बृष्टिपात माप बृष्टिपात तथ्य सह मिसिगला। स्टर्म सर्ज को टाइड गेज और तटीय भासमान वस्तु साहाय्यरे पर्यवेक्षण करा जाए। स्टर्म सर्जर पूर्वानुमान IMD द्वारा IMD नोमोग्राम घोष मॉडल, IIT दिल्ली मॉडल एवं INCOIS हैदराबाद मॉडल को आधार करी जारी करा जाए। ग्रीष्ममंडलीय बात्या क्षेत्र में आज प्रारंभिक अवस्था को क्यों मॉडल टी बेसी सुहाउची जानिबा पाए जने पूर्वानुमानकारी प्रथमे प्रत्येक मॉडल रो पूर्वानुमान को लक्ष्य करंतु। जदि गोटे मॉडल आज प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण करिछे ताहले आसंता काली ओ ता परदिन रो पूर्वानुमान मध्य जोगाई देबो। द्वितीय उपाय रे जने पूर्वानुमानकारी अतीतर अनुभूति को आधार करी सर्वोत्तम मॉडल बाछिबा पई तांको विशेष ज्ञान उपरे निर्भर करंती। जदि सर्वोत्तम मॉडल टी आजिर प्रारंभिक परिस्थिति रे भिन्न तथ्य देउची ताहले सेई परिस्थिति को परिसंख्यान दृष्टि रु मेल करा जाय एवं सेई अनुसारे पूर्वानुमान तयारी करा जाय। विभिन्न मॉडल रा फलाफल रु सहमति प्रस्तुत करा जाए। उदाहरण स्वरूप बात्यार गतिपथ भविष्यवाणी करिबा पई बहुविध मॉडल रा समष्टि शैली किंबा बात्यार तीव्रतार भविष्यवाणी करिबा पई गति प्रवर्तक परिसंख्यान मॉडल शैली व्यवहार करा जाए। एहा एक समष्टिगत भविष्यवाणी प्रणाली आधारित एकक मॉडल अटे जहां बात्यार तट निकट रे धक्का देबार संभावना को हिसाब करिबारे सहाय्य करे। तेणु मु जहाँ कहली कौनसी मॉडल निर्भुल नुहे और कौनसी मॉडल सब बात्या अनुरूप नुहे ता गुरुत्वपूर्ण अटे से आम समष्टि आवश्यक करू। एठारे उल्लेख करिबा गुरुत्वपूर्ण जे स्थिर करा जाउथबा चुडांत पूर्वानुमान उभय वैज्ञानिक शैली और मानविक विचार शक्तिर फल अटे। पाणिपाग पूर्वानुमानर अबिकलता विषय आलोचना करिबा समय रे कोनोसिटीर मूल्यकु हेय ज्ञान करा जाई पारिबो नाही। पूर्वानुमानकारी चूड़ांत निष्पत्ति नहीं सारिबा परे पूर्वानुमान को लेखा और चित्र बिवरणी आकार रे जनसाधारण और निर्दिष्ट व्यवहारकारी दलगुड़ी को जोगाई दिया जाए। एही बिवरणी रे अवस्थिति और तीव्रता बात्या स्थल भाग को छुईबार आशा करा जाउथुबा स्थान और समय प्रबल वृष्टिपात प्रबल पवन और स्टर्म सर्ज भली आशा करा जाउथुबा प्रतिकूल पाणिपाग प्रभावित हेउथुबा अंचल आशा करा जाउथुबा क्षयक्षति एवं प्रस्तावित कार्यानुष्ठान भली वर्तमानर स्थिति विषय रे समस्त प्रजुज्य सूचना थाए। सेई सब बिवरणी प्रति 3 घंटा रे जारी करा जाय थाए जहाँकि साधारण जनता माछ धराली चासी जहाज बंदर तटवर्ती प्रशासन विपर्यय परिचालनकारी मानक भली विभिन्न हिताधिकारी मानक पाई भिन्न भिन्न भावरे जारी करा जाय थाए। विवरणी को वेबसाइट और ईमेल SMS फैक्स भली वैद्युतिक गणमाध्यम सहित फेसबुक और ट्विटर भली सामाजिक गणमाध्यम जरिया प्रचार करा जाए। उपयुक्त कार्यानुष्ठान पई विपर्यय परिचालनकारी और सर्वसाधारण को सतर्क करिबा पई दैनिक प्रेस रिलीज सह सांबादिक सम्मेलनी आयोजन करा जाए। जदि लोकों को सूचना पहुंचेबार एवं स्थानांतर करिबार आवश्यकता पड़े ताहले राज्य और केन्द्र सरकार विहित व्यवस्था करंती। जातीय विपर्यय परिचालना कमिटी कैबिनेट सेक्टर यार अध्यक्षता करंती। जेतेबेले भी सतर्क सूचना मिले आमे बात्या स्थलभाग छुईबा पर्यंत अपेक्षा करूना। प्रकृतरे यार 2-3 दिन पूर्वरु NCMC सभा बसे। NCMC प्रतिरक्षा गृह स्वास्थ्य शक्ति टेलीजोगाजोग भली समस्त प्रयुक्त मंत्रालय एवं NCMC प्रतिनिधि माने आलोचना करती। सभारे संप्रक्त राज्य सरकार मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी माने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे जोग दियंती। आमे आकलन करू राज्य सरकार कौन आवश्यकता रही कैबिनेट मंत्रालय परिस्थिति आकलन करंती आमे आवश्यक सहाय्य जोगाई देउ। शेष सीमा पर्यंत पहुंचिबा पई गणमाध्यम रे नियमित बात्या सतर्क सूचना और दिल्ली रो बात्या सतर्क सूचना विभाग एवं कोलकाता चेन्नई मुंबई भुवनेश्वर विशाखापट्टना और अहमदाबाद रो बात्या सतर्क केन्द्र गुडिक द्वारा जारी करा जायथिबा SMS माध्यम रे समुद्र तटवर्ती अंचल रे रहुथिबा लोकमानंकु ठीक भाबरे सूचना दिया जाए। बात्या विषय रे तटवर्ती लोकंकु सूचना देबा पई तहसीलदारंक भली जणे सरकारी अधिकारीकु मध्य दायित्व दिया जाए। जेतेबेले भी आमे SRC कार्यालय सूचना पाऊ आमे आम स्तर में पर्यवेक्षण करिबा आरंभ करदेऊ। सांगे सांगे आमे विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष एक मीटिंग डाकू
ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ NDRF ଏମିତିକି ସ୍ଥଳବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟାକୁ ବିଚାର କଲେ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖର ସାଂଖ୍ୟିକ ପାଣିପାଗ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଡେଲ ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ସଞ୍ଚାଳନ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ IMD ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟେଇଦେଲା। 8 ତାରିଖରେ ହିଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲା ଯେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ VCS ରୂପ ନେବ ଏବଂ 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ 5 ଦିନର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଓ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ସର୍ବବୃହତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଲା। ବାତ୍ୟା ଥମିବା ପରେ ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଗଲୁ, ଖାସ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ଖୋଲିବା କାମରେ, ବନ୍ଦରକୁ ଖୋଲିବା କାମରେ। ଆମେ ବନ୍ଦରରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପକାଗଲା, ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଗଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଧାର ଓ ସାହାଯ୍ୟର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 1999 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରାକ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନେକ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛି। ଫାଇଲିନ୍ ଓ ହୁଡ୍ହୁଡ୍ ଭଳି ନିକଟ ଅତୀତରେ ସଂଗଠିତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପ୍ରାକ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ତଥାପି ସଫଳତାର ଜୟଯାତ୍ରାର ଏହା ଅନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବେ ବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନଟି ହେଲା ତୀବ୍ରତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟାକି ମଡେଲ କ୍ଷିପ୍ର ଘନୀଭୂତ ହେବା, କ୍ଷିପ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ତଟ ନିକଟରେ କ୍ଷିପ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ତାହେଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟିକ ମଡେଲ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ବାତ୍ୟା ଭିତରକୁ ସେନ୍ସର ପଠାଇବାକୁ ହେବ, ଉଡ଼ାଣ ଭରନ୍ତୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଡେଲକୁ ବି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ମଡେଲକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଡେଲରେ ଖଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏକ ବିଶାଳ କାମ ଅଟେ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବାନୁମାନକାରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ଅଛି। ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପ୍ରାକ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି ଓ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନହାନି ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ ନିଜ କୌଶଳ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।